दिल्ली में उपद्रवियों ने जो आतंक फैलाया है उसने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया। पुलिस और सुरक्षा बल स्थिति पर काबू पाने में जुटे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में डर और दहशत बरकरार है। ऐसे माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले। डोभाल ने मौजपुर की गलियों का दौरा किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि वो चिंता न करें, पुलिस अपना काम कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली में डोभाल के एक्शन की कुछ तस्वीरें। केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी दी है एनएसए अजीत डोभाल को कि दिल्ली में अमन को कायम रखा जाए, एक बड़ी जिम्मेदारी सब कुछ ठीक करने की, और इसी सिलसिले में लगातार वो हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। बीती रात के बाद देर शाम को और दोपहर में भी वो पहुंचे सीलमपुर डीसीपी के दफ्तर में और उसके बाद सीधे मौजपुर और जाफराबाद की गलियों में पहुंचे, दरवाजे लॉक कर लोगों को बाहर निकाला, उनसे बातचीत की। लोगों ने इस दौरान उन्हें अपनी समस्याएं, अपना दुख और दर्द भी सुनाया। इस दौरान अजीत डोभाल उनसे बातचीत करते हुए उन्हें ये भरोसा दिलाते हुए दिखे कि वो चिंता ना करें, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है और किसी भी तरह से डरने की अब कोई जरूरत नहीं। तो ये प्रो है ना ही एंटी है, ये तो केवल आप समुदाय। इस बीच दिल्ली में गोलीकांड को लेकर नई थ्योरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा के पीछे दिल्ली के बाहर के लोगों का हाथ है। दिल्ली सीएम भी ये बात कह चुके हैं और हिंसा पीड़ित स्थानीय लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की। ना तो ये प्रो है ना ही ये एंटी है, ये तो केवल आप समुदाय दंगा कर रहे हो। केवल लूट का है, सीधा सीधा मामला। मेरी शॉप का माल लगभग थोड़ा सा जलाया है, बाकी का सारा लूट ले गए। घर ही ले गए, उठा के सारा सामान, घर ले गए सारा सामान। और घर के कौन ले गए? जो पीछे के आदमी है अपने, तो वो एरिया सारा मेरा सामान लूट के ले गया। मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इस बंदे ने मेरा सामान लूटा। और उग्र लोग तो उग्र हिंदू भी है, उग्र मुसलमान भी है जी। एक उदार हिंदू है, एक उग्र हिंदू भी है जी। एक उदार मुसलमान में एक उग्र मुसलमान भी होगा, तो उनमें से कुछ लोग हैं उनकी सोच गलत होगी, वो ऐसा गलत कार्य करते हैं, हम उनके खिलाफ। बाहर से कोई बाहरी तत्व आके अगर आपकी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत पुलिस को इतला करके उनकी जानकारी दीजिए। और अगर बाहर से कोई बाहरी तत्व आके अगर आपकी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत पुलिस को इतला करके उनकी